एक और यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रौजा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं निषाद टाकिज के पास। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से समाजवादियों को पुलिस पकड़ कर जो है बसों में भर कर रही है, गिरफ्तारी यहाँ पर की जा रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की। यहाँ पर सपा कार्यकर्ता जो है विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का। यहाँ पर कुछ सपा के लोग हैं, उनसे बात करेंगे, कुछ लोग हैं समाजवादी पार्टी के, क्या किस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं? आज जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री जी यहाँ आगमन कर रहे हैं, जिस तरीके से तानाशाही चली है, आज लोग मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको खाद नहीं दे पाई, हमको समर्थन मूल्य नहीं दे पाई, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम करने का काम किया, आज हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी क्रांतिकारी सिपाही इनका विरोध करते हैं और काली झंडी दिखाकर इन्हें भगाने का काम करेंगे आज उत्तर। एक और प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं, दूसरी ओर आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? ये सिर्फ खाली शिलान्यास कर रहे हैं, इन्होंने विकास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में पूरे विनाश बना दिया है। समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की जनता आज इनको उखाड़ने के लिए पूरी रोड पे निकल चुकी है, और हम लोग इनका तब तक विरोध करेंगे जब तक उत्तर प्रदेश इनको उखाड़ के फेंक नहीं देंगे। लाल टोपी को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही थी, अखिलेश यादव कह रहे थे कि सरकार लाल टोपी से घबरा रही है, क्या मानेंगे इसको? ये लाल टोपी की घबराहट है कि आज आयकर के विभाग के छापे भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के तौर पर डाले जा रहे हैं, लेकिन हम लाल टोपी वाले ऐलान करते हैं उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, लगातार हंगामा यहाँ पर होता हुआ आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तस्वीरों में साफ तौर पर। यहाँ पर और भी लोग, उनसे बात करेंगे, काले झंडे दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री, एक और यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले किसानों की समस्याओं का हल करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का ये कर्तव्य बनता है। वो आके सिर्फ और सिर्फ ये करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, देशवासियों का कोई भला नहीं हो रहा उससे, वो अपनी पूरा सरकारी तंत्र लगा के जो भीड़ इकट्ठी की जा रही है बिल्कुल नाजायज है। प्रधानमंत्री को सबसे पहले किसानों की मांगों का को पूरा करना चाहिए। और ये जो भीड़ बुलाई गई है ये सरकारी कर्मचारियों से मंगवा के बुलाई गई है, इसमें जनता एक भी नहीं है, जनता ने इनको नकार दिया है, ये लोग वापस जाए। हम लोग इसको युवाओं के लिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है योगी मोदी सरकार ने, आज तक प्रधानमंत्री यहाँ पर शिलान्यास कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा शिलान्यास है, वहाँ पर आप विरोध कर रहे हैं? ये सब शिलान्यास फर्जी है, डीएम से लेकर प्रधान तक लगे हुए हैं गांव के, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है, और ये जो सरकार है एक बार इस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग जो है पुलिस पर भारी पड़ते हुए और यहाँ पर कुछ और आगे को बढ़ते, पुलिस जो है रोकने में नाकाम साबित होती हुई समाजवादी पार्टी के लोग, उनको बसों में भरा जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या में कुछ लोगों को बसों में भर भी लिया गया। वहीं पर अभी भी यहाँ पर धक्का मुक्की चलती हुई पुलिस की, साथ में पुलिस और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं लगातार यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा काफ़ी समय से, आपको बता दें कि सपा जिलाध्यक्ष सपा के जिलाध्यक्ष तनवीर खान, उनको पहले घर में नज़रबंद किया गया था, किसी तरीके से वो सुरक्षा घेरे को तोड़ने में कामयाब हुए। उसके बाद में राजेश यादव जो कि पूर्व विधायक है कटरा विधानसभा से, उनके आवास पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, और यहाँ पर जब संख्या बल ज़्यादा हुआ तो उन्होंने यहाँ से कूच करना शुरू कर दिया। आप देख पा रहे किस तरीके से पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा, यहाँ पर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से। आपको बता दें कि बल प्रयोग किया जा रहा है इनको आप देख पा रहे बसों में किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं यहाँ पर कुछ इधर जो गिरफ्तार करके अरेस्ट करके हिरासत में लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ले जाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग जो है सड़क पर बैठे, उनसे बात करेंगे, कहाँ जाना चाह रहे थे आपको? हम लोग मोदी जी के विरोध में आज जो आ रहे थे मोदी और योगी जी, उन्हीं के विरोध में पूरी समाजवादी पार्टी आज उनको काले झंडे हम लोग दिखाने जा रहे थे। किसान कितना मर गया, किसान कितना मर गया, कितना जिला उपाध्यक्ष हैं, कितना किसान मर गया, कितना गरीब मर गया नोटबंदी में, कितना क्या हुआ, गरीब के अलावा किसी कोई मरा है? अगर आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता क्या करें? हम लोग यही विरोध करेंगे, पूरा दिन बैठे रहेंगे यहाँ, तो हिलेंगे नहीं एक मिनट को भी। पूरी तरीके से यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर चलता हुआ, पुलिस जो है समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लेकर यहां से ले जाना चाह रही थी, लेकिन उनको यहां पर रोका गया है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। सपा जिलाध्यक्ष हैं हमारे साथ, सपा के जिलाध्यक्ष हैं
और पूर्व विधायक है कटवा से राजेश यादव, उनसे बात करेंगे, उनसे बात करने की प्रयास हम करेंगे यहाँ पर, उनसे उससे बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। आप देख पा रहे हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। सपा जिला अध्यक्ष जो हैं उनको ले जाने की प्रयास किया जाए। यहाँ पर उपेंद्र पाल हैं, उनसे भी बात करेंगे। कहाँ जाना चाह रहे थे जो आपको रोका जा रहा है? हम लोग जो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा है रोजा थर्म मैदान पर, वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध प्रदर्शन करने समाजवादी पार्टी के सारे नेता हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ हमारे जनपद में बहुत भारी इस समय बारिश हुई। किसानों की पूरी तरीके से फसलें, धान गेहूं, धान की, गन्ने की, सरसों की फसल, आलू की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। लाल टोपी को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही थी, आज जब आप निकलने जा रहे हैं रोका जा रहा है, क्या मानते हैं, क्या डर है कोई? लाल टोपी से मोदी जी घबरा गए हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ जनसमर्थन उमड़ रहा है, जनता का जो उनको अपार समर्थन मिल रहा है, इसको देखकर मोदी जी योगी जी घबरा गए हैं। हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी के यहाँ पर कई बार कार्यक्रम लग चुके हैं, जैसे कि पिकनिक मनाने आते हो, यहाँ के जो किसानों की फसलों का नुकसान हुआ, यहाँ आने से पहले उन फसलों की मुआवजा के लिए घोषणा करनी चाहिए। अगर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता क्या करेंगे? हम लोग बढ़ते रहेंगे, हम लोग बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही 22 तक बढ़ते रहेंगे, जब तक इस जो गुंडागर्दों की सरकार है उसको जब तक नहीं हटा लेंगे। समाजवादी पार्टी है और उनके मुखिया राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में ये काफिला ऐसे ही बढ़ता रहेगा और इस निकम्मी उत्तर प्रदेश की और केंद्र की दोनों सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है लगातार आगे बढ़ते हुए यहाँ पर, आपको बता दें कि हमारे साथ MLC हैं रिंकू जी, उनसे बात करेंगे। किस तरीके का प्रदर्शन आप कर रहे थे, क्या बात है, रोका जा रहा है? हम लोग मोदी जी को काले झंडे दिखाने जा रहे थे। जिंदाबाद, जिला हमारा आपदाग्रस्त है और इसको आपदाग्रस्त घोषित नहीं करा गया है, इस नाते यहाँ पर जो धान की जो खरीद हुई है उसका वाजिब मूल्य लोगों को नहीं मिला है और ऐसी समस्याओं में आकर के रोजगार सेवकों को के माध्यम से पब्लिक को लेके जाया जा रहा है, पैसे लेकर के, सरकारी पब्लिक लेकर के जाई जा रही है। क्या लगता है ये जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज यहाँ आए और आप लोग विरोध कर रहे हैं और आपको रोका जा रहा है, क्या मानते हैं इसको? ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र का कुछ कुशल निर्वहन यहाँ पर नहीं हो रहा है। और ये थे हमारे साथ रिंकू यादव जो कि MLC हैं। आपको बता दें कि सपा के जो कार्यकर्ता हैं लगातार आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सुरक्षा घेरा है उसको लगातार तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ जो लोग हैं उनको बसों से भरकर यहाँ से पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से आगे बढ़ते हुए काफ़ी देर से ये पूरा हंगामा यहाँ पर चलता हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो भी अड़े हुए हैं।